मम्मी ने, मम्मी ने दीदी को आने नहीं दिया। मैं जा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, एक बहुत अच्छी बात है। हेलो रंजन के घर में आया हम लोग लंच करने। हेलो घर में रंजन, अभी आप बताओ क्या फीलिंग, कैसी फीलिंग है आपकी? एक्साइटमेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यरपास ब्लॉग। तो अब मैं जा रही हूँ कुल्लू। अभी नहीं जा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद जा रही हूँ। तो फाइनल शॉपिंग करने निकल रहे हैं हम अभी, और मैं दीदी का शूज पहन के जा रही हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ब्लैक वाला शूज पहन के जा रही हूँ। क्यों नहीं, दो दो शूज है, ये पहन जाऊंगा। नो नो, गिरा मिट्टी, गिर गया। आंटी गंदा है वो, उसमें कभी इतना कीचड़ लगा के आया बात। वो इतना भी तो बोल रही, तेरे शूज पहन जाऊंगा, और वो गीला भी है। ओके बाय, अपना पहन यार। ओके बाय बाय। मम्मी ने, मम्मी ने दीदी को आने नहीं दिया। हम एंजॉय करके आते हैं, बाय। अच्छे से रोना टुटू, अच्छे से रोना टुटू। और ये हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन, और बाहर का हाल कुछ इस तरह है, और अंदर का हाल, हमारी मेट्रो आ गई है, और यहाँ पे हमें एक भी सीट नहीं मिली, खड़े खड़े ही हमें जाना पड़ा। मैं जा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा कलर में। तो क्या नाचो भाई? पता है मैंने बोल दिया। फिर भी नहीं, हम फिर से सीपी पहुंच गए हैं। तो सामान खरीद के हम वापस पहुंच गए। वहां का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सामान खरीदने को था, बहुत ज्यादा। पैसा ही पैसा हो गया, बहुत ज्यादा तो क्या, लेकिन काफी सामान खरीदने को था, और जल्दी भी। हाँ जी, और इसको अभी हम कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, तो अभी भूख भी लगी है, पहले खा लेते हैं। देंगे, दूंगी माचू, दूंगी। तो पहले पहले खा लेते हैं, अभी मुझे वीडियो भी अपलोड करना है इसके बाद। बाकी मैं अब आपको कल सुबह मिलती हूँ, फिलहाल अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है, और कल मैं आपको दिखाऊंगी कुछ, वो मैं आपको सुबह ही बताती हूँ, सुबह ही बताती हूँ टुट्टू, सुबह ही बताती हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस नहीं यार, गाइस बोलने की आदत हो गई है। गुड मॉर्निंग दर्शकगण, तो अभी मैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं छत पे हूँ अपने, कपड़े सुखाए, देखो, तो अपने छत पे हूँ। तो मैं छत में इसलिए आई हूँ, थोड़ा शोर शराबा भी सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ छत पे, कि मैं आपको अपने, जहाँ पे मेरी दीदी का रूम है, वहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पे जो दीदी का रूम जहाँ पे है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, और वो बात ये है कि जो ये रूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता लग गया होगा पहले वाले वीडियो से कि ये गुम्पा का रूम है, बट गुम्पा वाले रूम के साथ साथ यहाँ के चारों तरफ जो ये रूम है, इसके चारों तरफ हर धर्म के मंदिर है। तो वो दिखाती हूँ मैं पहले आपको। तो पहले मैं आपको गुम्पा से ही स्टार्ट करती हूँ, रुक जाओ। गुम्पा का अभी फ्रंट तो नहीं दिखेगा, अगर हो सकेगा पॉसिबल तो मैं शाम को दिखाऊंगी, बट ये जो छत है, ये गुम्पा का छत है, इसके एंट्रेंस आगे से है, तो ये गुम्पा का छत है, और अभी मैं इसी छत में हूँ। तो ये रहा एक और साइड, तो ये जो आपको दिख रहा है साथ में, ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है, और इस साइड गुम्पा का छत है, मतलब इस साइड गुरुद्वारा है, इस साइड गुम्पा का छत है। यहाँ पे इसके उधर ही, इस गुरुद्वारे के पल्ले साइड ही मंदिर है, और मंदिर के थोड़ा सा उधर जाएंगे तो वहाँ पे आपको चर्च भी मिलेगा और मस्जिद भी मिलेगा। तो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे चारों तरफ, अभी हवा भी चल रही है, थोड़ी धूप है पर हवा चल रही है, तो यहाँ पे चारों तरफ ऐसा है मंदिर, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी इस रूम के चारों तरफ, इस साइड गुम्पा, इस साइड गुरुद्वारा, उधर मंदिर,
उधर चर्च और मस्जिद भी है। तो ये बताना था मुझे आपको। और अगर शाम तक पॉसिबल हुआ तो मैं आपको गोम्पा भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेजॉरिटी आप लोग लाहौल के ही हैं, तो मैं आपको यहाँ का गोम्पा भी ज़रूर दिखाऊंगी अगर शाम को पॉसिबल हुआ तो। देखते हैं कैसे कैसे जाता है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे आंटी के वहाँ, क्योंकि आंटी ने आज लंच पे बुलाया है हमें, तो हम सब होंगे वहाँ पे। तो अभी मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ लंच पे, और उसके बाद अभी मैं थोड़ी रेडी भी हो गई क्योंकि मुझे अपने एक कज़न से भी मिलने जाना है, तो वहाँ पे भी मैं आपको ले चलूँगी। तो दिखाते हैं आज का दिन आपको। लामू ब्लॉगिंग चालू है। नमस्ते आंटी। हेलो आद्या। हेलो हेलो। लो बोलो। नमस्ते ने। आओ आओ। तो अब सभी आ गए हैं, सिर्फ अने रह गई थी, अने भी पहुंच गए हैं। तो इसके बाद अब हमने सजा पीना स्टार्ट किया। सजा ख़त्म होने के बाद मैंने फटाफट लंच किया क्योंकि मुझे अपने कज़न से भी मिलने जाना था। मैं और तंजी लंच करने भी। हेलो कर मेरे ब्लॉग को। ये मैं कहाँ फंस गया। तंजिन के घर में ही आया हम लोग लंच करने। हेलो कर दो तंजिन। चलो मैं निकली। बाय 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 बाय। अगर शाम तक हो तो मिलते हैं। बाय आर्या। बाय करो यहाँ देखो। बाय करो। बाय 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 बाय। ठीक है आंटी गई मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाय बाय। हाँ जल्दी तो फिर से मिलेंगे। हो 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 ठीक है। हो हाँ जी कोई बात नहीं। अब इतना ज़्यादा खा लिया मैं तो पेट फुल हो गया है एक्स्ट्रा। हाँ जी छक्स किस छक्स। और मैं ऐसे ही बहुत लेट हो रही थी तो मैंने फटाफट यहाँ से मेट्रो लिया और मैं पहुँच गई मजनू का टीला, जहाँ पे मेरी कज़न मेरा वेट कर रही थी सैलों में। टेस्टी लग रहा है यहाँ देखो। आप अत्या अम्मा अत्या अभी देखेंगे ब्राइट टू बी। ब्राइट टू बी कैसे फीलिंग है आपको? हाँ क्या है फीलिंग भी आपको? क्या फीलिंग कैसी फीलिंग है आपकी? रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। दे आ, एक्साइटेड है कुछ ज्यादा ही। नहीं मजाक करी। नहीं झूठ बोल रहा है। कि शॉपिंग की जा रही हूँ। ऐसे पैसे उड़ा रही हूँ। तो जैसा कि व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम गोम्पा वाले बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये गोम्पा वाला वीडियो मैंने बीच में ऐड कर लिया है। इसलिए इसमें मैं मम्मी और टुट्टू हम तीनों आए थे गोम्पा कोरा करने के लिए। तो ये रहा हमारा गोम्पा जो कि बाहर से इतना प्यारा दिखता है, और अंदर हम उस दिन डोर क्लोज था तो मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ। अंदर से प्यारा सा छोटा सा गोम्पा है और अंदर दलाई लामा जी का फ्रेम भी लगा हुआ है और अंदर मूर्तियाँ बहुत सुंदर है। और आगे देखिए बहुत ही स्पेशियस गोम्पा है। आगे से फ्रंट से मतलब बहुत ही खुला, जैसे कि आप टुटू को देख रहे हो
खुले में आराम से इधर उधर घूम रहा था, खेल रहा था। और बाहर एक छोड़तेन भी है, और छोड़तेन के साथ साथ इसमें आप गोम्पा के चारों तरफ कोरा भी कर सकते हो। ये देखिए, मैं, मम्मी और टुटू, हमने कोरा भी किया। मने भी है पूरा, मने घुमा घुमा के हमने टुटू को साथ में कोरा करवाया। और इसके बाद हम लोग तीन कोरा करने के बाद हम लोग आ गए वापस बाहर की तरफ। देखिए कितना प्यारा गोम्पा है, और इसी के बैक साइड में हम रहते हैं। और ये हम अब चल पड़े वापस अपने रूम की तरफ। पहले मैं आई और उसके बाद फिर मम्मी और टुटू आए। तो यहाँ से ही इसी रोड से आगे जाके हम लोग अपने रूम की तरफ आगे से घूम के जाना पड़ता है। सीधे गोम्पा के पीछे से भी रास्ता है, बट घूम के भी हमें घूम के जाना पड़ता है। वो शॉर्टकट कभी कभी खोलते हैं रास्ता। तो अभी हम जा ही रहे थे घर को, तो मम्मी बोलती कि हमारे घर के आगे पार्क है, तो वो भी दिखाते हैं सबको, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम थोड़ा सा ही आगे तक गए उस पार्क के, क्योंकि अभी यहाँ काम चला हुआ है इस पार्क में। तो दर्शकगण मैं पहुंच गई हूँ घर। और दीदी को मैंने बाय बोल दिया था, और लेट हो गए थे हम काफ़ी। अभी 9:30 हो रहे हैं, तो अभी मैंने पैकिंग भी कर ली, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ कुल्लू को कल। तो फिर इस ब्लॉग को इतने सीरियस होकर बता रही हूँ, तो मैं कुल्लू जा रही हूँ। और अब सेशन है, सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो दोबारा से स्कूल वाले दिन शुरू होने वाले हैं। तो अब आपको कुल्लू के ब्लॉग्स दिखने को मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और करना क्या है आपको, आपको करना है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड दैट इज यरपास ब्लॉग। जाके सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Shanti Nene, Shilti Rada Maharaj.